हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे रूस के पास 5 सबसे खतरनाक हथियार के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 4 बम, दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम। इसका धमाका होते ही 60 लाख लोगों की मौत हो जाएगी और लाखों लोग चमड़ी व सांसों से जुड़ी बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। रूस का दूसरा विनाशक हथियार है हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल किंजहल, जिसका अमेरिका और नाटो के पास कोई तोड़ नहीं है। रूस का तीसरा विनाशक हथियार है 2S प्लियोन तोप, जिसे सोवियत एटॉमिक पोत भी कहते हैं। ये कम दूरी का परमाणु हमला करने में सक्षम है। ये 203 mm के परमाणु बम से हमला करती है। ये 37 किलोमीटर तक हमले करने में सक्षम है। रूस का चौथा विनाशक हथियार है बेलगोरोड परमाणु सबमरीन, जो दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन है। ये सबमरीन पोसाइडन टारपीडो से लैस है, जो रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करने में सक्षम है। इस सबमरीन की लंबाई 604 फुट है और इसका वजन 14,700 टन है। ये रूसी सबमरीन किसी भी जंग का नक्शा बदलने में सक्षम है। रूस का पांचवा विनाशक हथियार है T-14 अरमाटा टैंक, जो दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक है। ये रिमोट कंट्रोल से चलता है और बिना क्रू मेंबर्स के लक्ष्य पर सटीक निशाना साध सकते हैं। अरमाटा टैंक से 1 मिनट में 10 से 12 राउंड फायरिंग हो सकती है। अरमाटा टैंक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से भी लैस है। इसे लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जैसे हेलीकॉप्टर और छोटे ड्रोन का काल माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे रूस के पास 5 सबसे खतरनाक हथियार। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।